Hello and welcome to 30 Mein 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek 30 khabrein. To intezar kis baat ka? Let's take a look. 30 khabrein fatafat. कैटरीना कैफ और कंगना रनौत को क्या दीपिका पादुकोण से हो रही है जलन? हर जगह ये खबर छाई हुई है कि दीपिका बन गई हैं हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। इनफैक्ट फोर्ब्स ने भी दीपिका को हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में किया है शामिल। पर जब कैटरीना से इस बारे में पूछा गया तो वो बन गई बेखबर, वहीं कंगना की बोलती हो गई बंद। खबरें फटाफट। सोनाक्षी सिन्हा ने रखी अपनी फिल्म अकीरा की स्पेशल स्क्रीनिंग। इस स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के ज्यादा चेहरे तो नजर नहीं आए, पर अनुराग कश्यप, संजय कपूर जैसे स्टार्स आए नजर। इस स्क्रीनिंग में सोनाक्षी की मॉम पूनम सिन्हा भी थी मौजूद। 30 खबरें फटाफट। करीना ने की है ये पिक्चर शेयर। इस पिक में करीना, करिश्मा, मलाइका और अमृता अरोरा आ रहे हैं नजर। लग रहा है जैसे ऑल फोर लेडीज हैं मिशन पर। 30 खबरें फटाफट। दीपिका ने बिताया रणबीर के साथ वक्त। खबर थी कि एक फैशन शो में दीपिका ने रणबीर के बजाय करीना को किया था सपोर्ट, पर अब सोर्सेज से पता चला है कि फैशन शो के बाद दीपिका स्पेशली मिलने गई रणबीर से और दोनों काफी देर तक रहे एक दूसरे के साथ। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो आमिर खान फिल्म दंगल के बाद एक फिल्म साइन करने जा रहे हैं जिसमें वो एक टीचर के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि आमिर खान को इस फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा पसंद आई है कि उन्होंने इस फिल्म को तुरंत हाँ कह दिया है। इससे ज्यादा इस फिल्म को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। 30 खबरें फटाफट। अर्जुन कपूर ने दी सफाई। खबर थी कि हाफ गर्लफ्रेंड की दिल्ली में शूटिंग के दौरान अर्जुन कपूर ने पर नाइट 1 लाख की थी पार्टी और फिल्म के सेट्स पर पहुंचे थे देर से। उसी खबर पर अर्जुन ने दी है अपनी सफाई। मैं एक प्रोड्यूसर का बेटा, जब वो आउटडोर चल रहा था जून के महीने में, माय ग्रैंड मदर वो सीरियसली अनवेल। जैसे आप सब आए थे फोटो खींचने, जब उनका देहांत हुआ, आप सब जानते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई उस समय जब मैं आउटडोर शूट कर रहा था। अगर उस समय में 1 लाख रुपए का बिल बना रहा था दारू पीते हुए, तो मुझ में कुछ कमी होगी जिस वजह से मुझे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए इसके आगे, ये फिल्म के आगे बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। 30 खबरें फटाफट। लेटर ऑन द शो, दंगल के बाद किस मूवी में नजर आएंगे आमिर खान? 30 खबरें फटाफट। क्या रणबीर कपूर ने फवाद खान पर साधा निशाना? वेल, रणबीर ने इनडायरेक्टली फवाद पर कमेंट करते हुए कह दिया कि वो पहले कभी भी फिल्म्स में होमोसेक्सुअल का रोल नहीं प्ले करते, लेकिन अब जबकि फवाद खान ने ऑलरेडी एक फिल्म में होमोसेक्सुअल का रोल प्ले कर दिया है तो उन्हें भी अब इन रोल से कोई एतराज नहीं है। रणबीर के ऐसे कहने के पीछे क्या मतलब है ये तो वही जाने। वैसे आपको बता दें कि रणबीर और फवाद अपकमिंग फिल्म ए दिल है मुश्किल में साथ नजर आ रहे हैं और फिल्म के फर्स्ट टीजर के आउट होने के बाद ऐसी खबरें भी आईं कि रणबीर फवाद से इनसिक्योर थे, इसीलिए टीजर से उनके शॉट्स डिलीट करवा दिए थे। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण के बाद अब सोनम कपूर भी चली हॉलीवुड। जी हां, सोनम ने हॉलीवुड के एक पॉपुलर टैलेंट एजेंसी के साथ डील साइन कर दी है। सोनम ने इस बात की कॉन्फर्मेशन अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर की है। सुपर डुपर चफ्ड टू साइन ऑन विद यूनाइटेड टैलेंट एजेंसी। आई नो दिस इज गोइंग टू बी एन एपिक पार्टनरशिप। आपको बता दें जिस हॉलीवुड एजेंसी के साथ सोनम की डील हुई है उसके कई प्रोमिनेंट क्लाइंट्स इंक्लूडिंग मराया कैरी, क्रिस ब्राउन, कान्ये वेस्ट एंड मेनी मोर। वेल, सोनम हॉलीवुड में कितना नाम कमाती हैं देखना इंटरेस्टिंग होगा। 30 खबरें फटाफट। स
सुनने में आया है कि क्रिश 4 की स्क्रिप्टिंग में रेहान और रिदान अपने दादू राकेश रोशन की हेल्प कर रहे हैं। वेल, सब जानते हैं कि ऋतिक के दोनों बेटे सुपर हीरोज के फैंस हैं। बैटमैन से लेकर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, स्पाइडरमैन, सभी की पूरी अपडेट भी रखते हैं रेहान और रिदान। ऐसे में जब राकेश रोशन क्रिश 4 की स्क्रिप्टिंग के लिए बैठे हैं, तो उससे पहले रेहान और रिदान के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है, जिसमें रेहान रिदान दोनों अपने दादू को बताते हैं कि कौन सा सुपरहीरो नया है, हॉट है, एटसेट्रा। और इसके बाद फिर राकेश रोशन अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के विजन को अपनी स्टोरी में इनकॉर्पोरेट करते हैं। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान नजर आए फ्रेंच बियर्ड लुक में। देखिए सलमान की ये पिक्चर्स दुबई में सोहेल, नवाजुद्दीन और एमी के साथ फिल्म फ्रीकी अली के प्रमोशन के वक्त की ये है। वेल, इन तस्वीरों में सलमान अपने नए लुक में काफी फ्रेश लग रहे हैं, लेकिन वी वंडर कि सलमान के लुक में सडन चेंज क्या उनकी किसी फिल्म के लिए है। वैसे जल्द ही बिग बॉस सीजन 10 भी शुरू होने वाला है। 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार ऑन स्क्रीन प्ले कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ग्लेन मैकग्रैथ का कैरेक्टर। वेल, इससे पहले आप कुछ ज्यादा सोचें, हम आपको बता दें कि फिलहाल अक्षय कुमार ने ऐसे किसी रोल के लिए हाँ नहीं की है, लेकिन हाँ, क्रिकेटर्स पर बन रही बायोपिक्स को देखकर जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ग्लेन मैकग्रैथ से पूछा गया कि अगर उनके ऊपर बायोपिक बनती है तो वो अपने रोल में किसे देखना चाहेंगे, तो उन्होंने अक्षय कुमार और हॉलीवुड स्टार ह्यू जैकमैन का नाम लिया। 30 खबरें फटाफट। बिपाशा बासु को लेकर खबरें आई थी कि लास्ट मोमेंट पर उन्होंने पुणे में होने वाले एक दही हांडी इवेंट पर जाने से इनकार कर दिया है। वेल, इस खबर पर अब बिपाशा का टेक आया है। बिपाशा का कहना है कि वो अपना कमिटमेंट पूरा करने पुणे गई थी, लेकिन सिक्योरिटी इशू की वजह से उन्होंने इवेंट अटेंड नहीं किया। बिपाशा ने ये भी कहा कि भीड़ में उन्हें विदाउट पर्सनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजर्स ने इवेंट के अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन फिर बिपाशा ने ऑर्गेनाइजर्स की बात नहीं मानी। 30 खबरें फटाफट। सोनाक्षी सिन्हा ने अर्जुन कपूर के साथ मुबारका क्यों नहीं की, इसका रीजन सामने आ गया है। खबरों की माने तो मुबारका में जहां अनिल कपूर के साथ अर्जुन कपूर डबल रोल में हैं, वहीं ये फिल्म थ्री हीरोइन प्रोजेक्ट है और सोनाक्षी थ्री हीरोइन प्रोजेक्ट करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। यही वजह थी कि मुबारका से सोनाक्षी सिन्हा ने ऑप्ट आउट कर लिया। वैसे सोर्सेज की माने तो फिल्म की फर्स्ट चॉइस परिणीति थी, लेकिन उन्होंने भी फिल्म में तीन एक्ट्रेसेस होने की वजह से फिल्म छोड़ दी। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली विधु विनोद चोपड़ा आमिर खान के घर पहुंचे फिल्म दंगल देखने। सोर्सेज की माने तो दंगल के बाद विधु विनोद चोपड़ा फिल्म की तारीफ करते नजर आए। आमिर खान की फिल्म दंगल इस साल क्रिसमस पर रिलीज हो रही है। 30 खबरें फटाफट। फिल्म शिवाय की एक्ट्रेस एरिका का खर्चा उठाना फिल्म के प्रोड्यूसर्स को पड़ रहा है भारी। खबर आ रही है कि एरिका ने फिल्म प्रमोशंस के लिए पर डे चार्ज करने का फैसला लिया है। साथ ही एरिका चाहती हैं कि उनके इंडिया में रहने का पूरा खर्चा फिल्म के प्रोड्यूसर्स ही उठाए। ऐसे में कहा जा रहा है कि शिवाय के मेकर्स ने फैसला किया है कि वो एरिका को फिलहाल के लिए वापस उनके देश भेजेंगे और फिल्म रिलीज से सिर्फ 10 दिन पहले एरिका को इंडिया फिल्म प्रमोशंस के लिए बुलाया जाएगा। 30 खबरें फटाफट। फिल्म ए दिल है मुश्किल की ये पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस पिक्चर में रणबीर हाथों में ड्रायर लिए नजर आ रहे हैं, वहीं अनुष्का येलो शिफॉन साड़ी में नजर आ रही हैं। और इस पिक्चर को देखकर डेफिनेटली यश चोपड़ा की फिल्मों की याद आ जाती है। 30 खबरें फटाफट।
नेहा धूपिया, कल्कि, विनय पाठक, सुधीर मिश्रा जैसे सेलिब्रिटीज को स्पॉट किया गया फिल्म आइलैंड सिटी के प्रमोशंस पर। यहां इन सेलिब्रिटीज ने इस फिल्म की काफी तारीफ की और लोगों से अपील किया कि वो इस फिल्म को देखने जरूर जाएं। विनय पाठक है, मानसी मुल्तानी है, दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बाकी एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और मुझे कुछ पता नहीं फिल्म के बारे में, अच्छी कहानी के बारे में कुछ पता नहीं, तो आई एम लुकिंग फॉर टू फाइंडिंग आउट व्हाट इट्स अबाउट। मुंबई की बारे में हमने बहुत सारी फिल्में तो देखी हैं, बट दिस डेफिनेटली इज द स्टोरी ऑफ थ्री डिफरेंट लाइव्स, हाउ शी इज इंटरप्रेटेड, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी फिल्म्स लाइक दिस। और ऐसी फिल्मों को जितना ज़्यादा पुश मिले उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। 30 खबरें फटाफट। अर्जुन कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड को लेकर हैं काफी एक्साइटेड और रिसेंटली मीडिया से बात करते हुए अर्जुन ने अपनी इस फिल्म की अपडेट की शेयर। जी मैं साउथ अफ्रीका में था, केप टाउन में शूटिंग कर रहा था, बहुत ही मजा है, बहुत ही डिफिकल्ट आउटडोर था, हम विंटर में शूटिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, उसके बावजूद इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज बहुत ही अच्छी जगह थी और हमारी टीम एकजुट होकर काम कर रही थी। सो आई थिंक वी आर 70% डन विद द फिल्म, काफी हद तक फिल्म खत्म हो चुकी है। इनफैक्ट मैं अगले कुछ दिनों में लास्ट 20 दिन की शूटिंग करने न्यूयॉर्क जा रहा हूँ और फिर बॉम्बे में जो थोड़ा बहुत काम बचेगा, तो काम बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू पुट द फिल्म आउट देयर, मैं वेट नहीं कर सकता मई आने का, अनफॉर्चुनेटली पिक्चर 6-8 महीने बाद लगेगी, बट इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद मोहित रत्ना एंड द एंटायर टीम। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका ने अपनी मराठी फिल्म वेंटिलेटर का फर्स्ट लुक कर दिया है रिलीज। अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रियंका ने ये पोस्टर किया है रिलीज। 30 खबरें फटाफट। अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान स्टारा फिल्म द रिंग के सेट पर शूटिंग से ज्यादा मस्ती हो रही है और इस मस्ती का नया सबूत है SRK और अनुष्का के ये पिक्चर्स जहाँ वो हवा बोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। खबरें फटाफट। Coming up on the show, सलमान की 18th November को होगी शादी। तीस खबरें फटाफट। सलमान खान की शादी को लेकर फिर से शुरू हो गई है स्पेकुलेशन। एक लीडिंग टैब्लॉइड ने खबर पब्लिश की है कि सलमान इसी साल 18 नवंबर को शादी करने जा रहे हैं और सलमान की शादी काफी स्मॉल अफेयर होगी जहां कुछ ही लोग मौजूद रहेंगे। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि फेमस ब्रिटिश बैंड कोल्डप्ले जो कि नवंबर में मुंबई में अपना कॉन्सर्ट करने वाले हैं, उनके साथ इंडियन म्यूजिकल स्टार अरिजीत सिंह भी करेंगे स्टेज शेयर। इस फंड रेजिंग गिग में अभी तक ये शो नहीं है कि अरिजीत सिंह सिर्फ ओपनिंग एक्ट करेंगे या कोई कोलैबोरेशन, मगर फेमस बैंड कोल्डप्ले के साथ अरिजीत की जुगलबंदी देखना शॉली इंटरेस्टिंग होगा। 30 खबरें फटाफट। सोनाक्षी सिन्हा और जैकी इस फ्राइडे होंगे आमने सामने। वैसे तो सोनाक्षी भी इस वीक अपनी पहली फुल फ्लेज्ड एक्शन मूवी अकीरा लेकर आ रही हैं, जिसके एक्शन के लिए उनकी काफी तारीफ की जा रही है, मगर सोनाक्षी के एक्शन को इस वीक जैकी चैन के सुपरस्टारडम का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जैकी की मूवी स्किप ट्रेस भी हो रही है इस वीक रिलीज। वेल, ये सोनाक्षी के लिए डेफिनेटली है एक सेटबैक क्योंकि कहा जाता है कि नो वन टेक्स पंगा विद जैकी चैन एट द बॉक्स ऑफिस। 30 खबरें फटाफट। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो अपनी नेक्स्ट मूवी मिर्जिया में दो डेब्यूटेंट एक्टर्स हर्षवर्धन कपूर और सयामी खेर को लॉन्च करने वाले हैं, उन्होंने इन दोनों को दे दिया है स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस। उन्होंने इन दोनों को सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए कहा है और साथ ही अपनी पर्सनल लाइव्स के बारे में डिटेल्स शेयर करने से मना कर दिया है। शायद राकेश चाहते हैं कि जब ऑडियंस इन दोनों को स्क्रीन पर देखे तो विदाउट एनी प्रीकंसीव्ड नोशन देखे। 30 खबरें फटाफट।
शाहरुख खान जल्द आएंगे नजर दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी और शर्मिला टैगोर के साथ एक एडवर्टाइजमेंट में। इन पिक्चर्स को देख के साफ नजर आ रहा है कि श्योरली इतनी यस्टर ईयर एक्ट्रेसेस और सुपरस्टार्स SRK और दीपिका के साथ ये एड बन जाएगा टॉक ऑफ द टाउन। 30 खबरें फटाफट। कृति सैनन जो धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी जगह स्ट्रॉन्ग बनाती जा रही हैं, अब मैगजीन के कवर पेज पर भी दिखा रही हैं अपना जलवा। फेमिना मैगजीन के कवर पेज पर शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, कैजुअल ब्राउन ड्रेस, सॉफ्ट कर्ल्स और मिनिमल मेकअप। 30 खबरें फटाफट। अनिल कपूर ने सचिन तेंदुलकर के साथ लिया एक झकास सेल्फी, जिसमें दोनों स्माइल करते हुए आ रहे हैं नजर। अनिल ने खुशी खुशी शेयर किया कि जब उन्होंने सचिन से कहा कि वो उनके बहुत बड़े फैन हैं और सचिन का एक भी मैच नहीं मिस करते थे, तो सचिन ने कहा कि वो अनिल के शो 24 का एक भी एपिसोड मिस नहीं करते। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने लोगों की नजरों से दूर सात समंदर पार शादी की थी। ऐसे में प्रीति की शादी को लेकर ज्यादा इन्फॉर्मेशन मीडिया में नहीं आई थी, लेकिन अब प्रीति की शादी की पिक्चर्स सामने आई हैं, जिसमें वो शादी के जोड़े में अपने हस्बैंड जीन गुडनफ के साथ नजर आ रही हैं। 30 खबरें फटाफट। दुबई में बने बॉलीवुड पार्क में शाहरुख ने अपनी फेमस फिल्म डॉन के सीन को किया रीएनएक्ट, जो वहां के ऑडियंस के लिए हमेशा के लिए एक गेम राइड बना के रख दिया गया है। इस राइड की मेकिंग के दौरान शाहरुख खान कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर, एंड वी हैव गॉट इट फॉर यू। 30 खबरें फटाफट। सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म अकीरा के लिए जॉन ने अपने सोशल हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो सोनाक्षी के एक्शन को कर रहे हैं फुल सपोर्ट।